दोस्तों, आज मैं आप सबकी मनपसंद डिश बनाने जा रही हूँ। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। मैं आज इस वीडियो में समोसे को ट्रायंगल शेप कैसे देते हैं, इसमें ज़्यादा टारगेट करूँगी, क्योंकि लोग समोसा तो बना लेते हैं लेकिन उसको प्रॉपर शेप नहीं दे पाते हैं। एक मीडियम साइज प्याज, 5 उबले आलू लिया, 1 छोटे चम्मच अदरक का पेस्ट, 1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च, आधी कटोरी उबले मटर या हरे मटर, 1 छोटे चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटे चम्मच हल्दी, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 छोटे चम्मच गरम मसाला, 1 बड़ा चम्मच खड़ा धना या साबुत धना भी कहते हैं, 1 बड़ा चम्मच सौंफ, 1 छोटा चम्मच जीरा, 250 ग्राम मैदा, आधी छोटी चम्मच नमक, 4 बड़ी चम्मच ऑयल, आधी छोटी चम्मच अजवाइन, तलने के लिए तेल, आवश्यकता अनुसार पानी। अब मैदे को गूंथना है। मैदे में अजवाइन को थोड़ा क्रश करके डाल लीजिए, इससे अच्छा फ्लेवर आता है। आप दरदरा कूटकर भी डाल सकते हैं। अब मेन बात, इसमें पूरा ऑयल अच्छे से मिक्स कर लें। ऑयल जब अच्छे से मिक्स हो जाए मैदे में, उसके बाद ही जरूरत के अनुसार इसमें पानी डालें। और आटा, इतना इसका आटा सख्त रहता है लेकिन बहुत ज्यादा टाइट नहीं करना कि आपको बेलते ही ना बने। अब इसे आधा घंटे के लिए ढककर रख देंगे। गैस को स्लो में करके इस मसाले को हल्का हल्का भून लें, इससे बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी। और भूनने के बाद इसको थोड़ा दरदरा कूट लें। देखिए, इसको इस तरीके से कूटना है। आप इसे खलबट्टे या कुछ से भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। मैं अब आलू का मसाला तैयार करूंगी। इसके लिए इसमें 2 चम्मच ऑयल डाल दूंगी। ये आलू का मसाला तैयार हो गया। इसे एक प्लेट में पलटा दिया है। अब इसको ठंडा होने रख देंगे। मिनिमम 10 से 15 मिनट तो लगेंगे इसको ठंडा होने में। इसे रूम टेम्परेचर पर आना जरूरी होता है। आधा घंटे के बाद ये आटा देखिए बढ़िया सेट हो गया है। और अब इसको बेलने के लिए ये सूखा मैदा भी ले लिया है। आप देख रहे होंगे कि मैंने इतने मोटी मोटी लोई बना लिया है। इतने मसाले से मेरे टोटल 10 समोसे बनकर तैयार होंगे। अब इसके चाकू की हेल्प से 2 पार्टीशन कर लेंगे। इससे मेरे 2 समोसे तैयार होंगे बनकर। इस तरीके से आप इकट्ठे बनाकर रख लीजिए और फिर बाद में इसमें मसाला भर देना। इसमें ज्यादा इजी जाता है, वो एक एक करके बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। इन सभी को एक बार में बना के रख लिया है। आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं कि ये कितना मोटा है। साइड से ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसे ज्यादा पतला नहीं बेलना है, फिर नहीं तो समोसे खाने में मजा ही नहीं आएगा। आप यहाँ जरूर ध्यान दें अब, क्योंकि हमें अब समोसे का सही शेप देना है, वो भी ट्राइंगल शेप। इसके लिए जैसे मैंने हथेली में पकड़ा है वैसे ही आपको पकड़ना होगा। और इसी पोर्शन में मैंने पानी लगाया है, इसी में ही बस पानी लगेगा। गोल वाले शेप में पानी नहीं लगना है। ये देखिए, इस तरीके से आप इसे ज्वाइंट करें और इसको बहुत अच्छे से इस पोर्शन को दबाना है। ये जो ज्वाइंट है इसे दबाना बहुत जरूरी है और बहुत ही अच्छे से दबाएं, क्योंकि यहीं से मसाला निकलता है या जब तलते हैं तेल में तो यहाँ पर इसे अंदर ऑयल चला जाता है। ये देखिए, इस तरीके से मैंने पकड़ा है, आप समझ गए होंगे। देखिए जॉइंट को मैं कितने बार अच्छे से उसे दबाया है। इसके अंदर मसाला अच्छे से भर देती हूँ। मसाला ज्यादा भी नहीं भरना, देखिए थोड़ा थोड़ा ऐसे दबा दबा कर, बहुत ज्यादा नहीं भरना है, नहीं तो फिर बाद में समोसे फूट जाते हैं तेल में जब डालते हैं तो।
ये देखिए इसकी मैं इसमें मैं पूरा वीडियो अच्छे से दिखा रही हूँ, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही बनती है। देखिए इस पोर्शन में मैंने पानी लगाया है, इसमें पानी लगाना जरूरी है। ये देखिए इसमें पूरे में अच्छे से पानी लगाया है, इसमें मैंने पूरे बहुत ही अच्छे तरीके से बताया है, क्योंकि सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही बनती है। यहाँ देखिए पहले से ही इस साइड लॉक लगा हुआ है, अब इसके जस्ट अपोजिट साइड ये यहाँ पर मैंने ये लॉक लगा दिया, और अब इन दोनों पोर्शन को देखिए दबा दिया, चिपका दिया आपस में, फिर पूरे पूरे पोर्शन को इस तरीके से दबा देंगे। देखा ना आपने, इस तरीके से दबाया, और फिर बाद में ये हाथ से ऐसे पुश करते हैं तो बहुत अच्छे से जुड़ जाता है। इन सबको इकट्ठे बनाकर रख लिया है, अब इन्हें आधा घंटे के लिए ऐसे ही रखे रहने दें। इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं, ऐसा इसलिए करते हैं ताकि ये थोड़ी हार्ड हो जाए। आधा घंटे के बाद अब हम समोसे सेकेंगे। इसके लिए कढ़ाई में इतना ऑयल डाला है ताकि पूरे समोसे इसमें डूब जाए, और इसको तेज में बिल्कुल नहीं सेकना है, इसका फ्लेम बिल्कुल मीडियम हो या स्लो हो। तेल में यदि बुलबुले आने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी दिख रहे होंगे आपको, यदि इस तरीके से दिख रहा है तो समझ जाइए कि आपका ऑयल गर्म हो गया है समोसे लायक। इसमें आप समोसे डाल सकते हैं, या और भी चेक करना है तो आप थोड़ा सा गूथा हुआ आटा डाल दें, उससे समझ में आ जाएगा। देखिए हो गई है अब अपनी कढ़ाई, अब इस टाइम पे आप समोसे छोड़ दें और गैस को बिल्कुल मीडियम में ही रहने देना, या बिल्कुल स्लो स्लो में ही सेकेंगे, तभी समोसे अच्छे होंगे, नहीं तो वो बाहर ही बाहर जल जाएंगे तेज में करेंगे तो। आप ध्यान रखें इसे मीडियम फ्लेम में ही सेकें, और शुरू में जब समोसे तेल में डालते हैं तो उसे बिल्कुल नहीं चलाना है, मिनिमम 5 मिनट तक तो मत ही चलाइए, वो फिर अपने ही आप वो तेल से ऊपर उठने लगते हैं। देखिए ये लाल दिखने लगे हैं, यानी कि ये सिकर तैयार हो गए हैं। इन्हें कम से कम 10 मिनट समोसे को सेकने में लगते हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। देखिए ये लाल दिखने लगे हैं, यानी कि ये सिकर तैयार हो गए हैं। इन्हें कम से कम 10 मिनट समोसे को सेकने में लगते हैं। अब इन्हें निकाल लेंगे। देखिए गरम गरम समोसे बनकर तैयार हैं।